अरे तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं अटारी बॉर्डर, जो कि अटारी वाघा बॉर्डर पड़ता है पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर देखेंगे हम सेरेमनी, आपको भी दिखाएंगे सेरेमनी। और अभी हम निकले हैं अमृतसर से, अमृतसर से ऑलमोस्ट ये 33 किलोमीटर दिखा रहा है, लगभग यहाँ से पहुँचने में 45 मिनट्स का टाइमिंग है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा और क्या सब नज़ारे, क्या है रास्ता। ये जो मेरे लेफ्ट साइड में आप स्टैचू देख रहे हैं, राजा रणजीत सिंह जी का स्टैचू है। सर अटारी बॉर्डर का रास्ता किधर से है? अटारी बॉर्डर, ओके थैंक यू सर। ये जो मेरे राइट साइड में देख रहे हैं आप, ये है खालसा कॉलेज, खालसा कॉलेज फॉर वुमेन। फ्रेंड्स देखिए यहाँ बसों में दोनों तरफ दरवाजे, और ये मैंने पहली बार देखा है। ये देखिए इस साइड में भी गेट है, उसका उस साइड में भी गेट है। तो बीच में एक कॉरिडोर बना रखा है जिसपे कि बसें चल रही हैं, और वो किसी भी साइड से आएगी या जाएगी तो किसी भी साइड से आप उतर सकते हैं, लेफ्ट भी राइट भी। तो ये दोनों तरफ ही है, ये मैंने अमृतसर में देखा और कहीं नहीं देखा ऐसा, बसें बीचों बीच चल रही हैं कॉरिडोर पर। ये देखिए अभी ये बीचों बीच बस स्टैंड बने हुए हैं, और इसमें मेट्रो की तरह है एग्जिट और एंट्री का, उसमें आप एग्जिट भी करेंगे, एंट्री भी, जैसे मेट्रो में होती है पहले एंट्री करेंगे फिर उसमें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक, जैसा मुझे लग रहा है। और लोग इसमें बीचों बीच आते हैं और चढ़ जाते हैं, इसके अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद बसेज आ रही हैं तो उसमें ईजिली बैठ जाते हैं। और एक चीज़ और है, बस का जो फ्लोर है वो बिल्कुल स्टेशन से बिल्कुल मिला हुआ है, तो कोई भी इसमें ईजिली चढ़ सकता है, जैसे कि मेट्रो में चढ़ते हैं बराबर फ्लोर होता है दोनों का। अटारी बॉर्डर जा रहा हूँ, सब अटारी जा रहे हैं इधर, चलो हम भी अटारी जा रहे हैं, चलो मिलते हैं। ये देखिए आ गया है हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है रोहन जगदीप टोल रोड। और यहाँ पर रोड बिल्कुल खाली खाली है दोनों तरफ, कोई इधर कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, ऐसा लग रहा मुझे जंगल और खेत है। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस रहेगा किसी इंडिया के किसी बॉर्डर पर जाने का, लगता है तो बॉर्डर उतना पास से नहीं देखा था जितना पास से आज देखेंगे। और यहाँ तो सेरेमनी होती है, यहाँ देखिए ये दुनिया भर के लोग जा रहे हैं, ये मोस्टली लोग सब अटारी बॉर्डर ही आ रहे हैं। यहाँ एक कॉमन बात है, जो थ्री व्हीलर से है ये टेम्पो है, इनमें लेडीज़ भी पीछे बैठती हैं, मैंने काफ़ी टेम्पो में देख लिया, बट दिल्ली हो या NCR के एरिया में कहीं पर ऐसा नहीं होता है। सब निकल जाएंगे, ये अभी अंदर और रास्ता है, पार्किंग 700 मीटर आ गए, ये है बॉर्डर का कुछ एरिया, भारत पाकिस्तान सीमा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और अंदर है यहाँ से भी, यहाँ से हो रही शायद तो एंट्री। अंदर देखिए सामने खड़ी है डबल बस, तो देखते हैं अभी। मेन गेट से एंट्री करने के बाद पार्किंग के बाद ये देखिए इतनी लंबी लाइन लग रही है, ये लेडीज़ों की लाइन लास्ट तक लग रही है, उसके बाद जेंट्स की लाइन शायद छोटी है या दूसरी तरफ है, आगे चल के देखते हैं अभी। इंडियन टैटू फेस पेंटिंग। स्टेडियम के लिए रास्ता है, कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं है, सीधा अंदर। हमने ऑनलाइन बुकिंग करी तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, स्टेशन डायरेक्ट ऊपर जा रहा है।
फ्रेंड्स ये देखिए कितना हुजूम है यहाँ, बहुत लोग हैं भाई, पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, बहुत मजा आया, हमने तो बहुत एंजॉय किया। और यहाँ से आगे कमर्शियल गाड़ी नहीं जा रही थी बड़ी, जो यहाँ तक ये है मेन सिक्योरिटी का एरिया, यहाँ से कोई पोस्ट होती तो वेलकम टू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, अंग्रेजी एवं देसी ठेका। ये देखो पहला ठेका भी यहीं लगा हुआ है, वो रहा तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो, तुम इश्क नहीं। तो आ गए हम टोल पर, और टोल पर लग रहा है खतरनाक वाला जाम, क्योंकि पीछे से सारी गाड़ियां एक साथ छूट गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लग रहा है बहुत गंदे वाला जाम। मुझे कोई पंजाब से है तो यार बताओ ना, ये बस स्टैंड क्या है, कैसा है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। बीच में गाड़ियाँ रुकती हैं, किसी किसी पे मेट्रो की तरह, दिल्ली मेट्रो की तरह वो लगे हुए हैं एंट्री करने के गेट, किसी पर नहीं है। अब थोड़ा सा इन्होंने रोक रखे थे, इतना फिर भी स्पीड दे दी, एक्सीलेटर दे दिया और मार दिया। थैंक यू। सब आओगे, सब वीडियो बन रही है, एक हफ्ते बाद 10-15 दिन लगेंगे, बहुत सारी वीडियो डालनी है, उसके बाद डालें अटारी बॉर्डर जब रिटर्न भी मिलेगी। ठीक है, मिले ना तुम, अब मिलेंगे, अब वीडियो में देख लेना, अब मिलेंगे, सब्सक्राइब कर लेना ईवल मोटर ब्लॉग, सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे जल्दी। पंजाबी बॉयज बहुत मस्त है बाबा, काफी बातें करते हैं। ये आ गया भंडारी पुल, आगे जो आने वाला है, और ये बटाला रोड रेलवे स्टेशन, इस वाले रोड पर। ठीक है, ये वाला ना, ठीक है, थैंक यू अंकल। ये है हॉल गेट, ये देखिए हॉल गेट एरिया है, और हमें जाना है अभी गेट के अंदर जो सामने दिख रहा है। ओ भाई साहब, क्या दुकानें सज रही हैं एकदम,
उसके ऊपर के बोर्ड भी ऑलमोस्ट सेम है और नीचे वाले भी जो दुकानों पे लग रहे हैं सिमिलरिटी है सभी के अंदर। यह पार्टीशन म्यूजियम आप देख सकते हैं, और टाइम रहा मौका मिला तो यहाँ भी जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वो शायद सर्च कर रहे हैं या सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चैनल का नेम देख रही थी छोटी सी लड़की।